हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सतीश वेक्टर आई माइनस थ्री जे वेक्टर प्लस फाइव के वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है, तो आपको बताना है क्या करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट होगा 41 का फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो का हल आपको बताना है। तो 42 का यहाँ पे करेक्ट होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का समाकलन गुणक। सो 43 का यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स, राइट। 43 का जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे बोल रहा है 11i वैक्टर प्लस 9j वैक्टर सॉरी गुणे 9j वैक्टर। सो 44 का जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मूल बिंदु से तल 3x+4y+5z = 6 की दूरी है, तो 45 का यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट, तलों 2x+y+z = 11 तथा x-2y+z = 5 के बीच का कोण आपको बताना है, तो 46 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, 1, 2, 3 दिक अनुपात वाले रेखाएं के दिक कियोजक आपको कोजाएं हैं, तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स 47 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के इंटू 2i वेक्टर + 2j वेक्टर - k वेक्टर इज इक्वल टू, आपको बताना है। 48 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो इंटीग्रेशन x e पी पावर 5x dx क्या करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 50, वेक्टर जो है यहाँ पे 7i वेक्टर - 3j वेक्टर + k वेक्टर * 2i वेक्टर + 3j वेक्टर - 5k वेक्टर, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड 50 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो यदि किसी रेखा के दिक को जाएं 3/√161 ओके एंड कोमा 4/√161 है तो एक्स है, तो एक्स का मान आपको बताना है, राइट। तो इसका क्या करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51। सो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट 52, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2i वेक्टर - 3j वेक्टर + 4k वेक्टर * वेक्टर आई प्लस 2j वेक्टर - k वेक्टर मल्टीप्लाई 3i वेक्टर - j वेक्टर + 2k 2k वेक्टर। सो इसका करेक्ट होगा 52 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट वन 53, तल 3x - 3y + 3z = 11 पर अभिलंब के दिक अनुपात आपको बताना है, तो 53 का जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन 54, सो यहाँ पे बोल रहा है तल z = 3 के समांतर एक तल का समीकरण आपको बताना है, तो 54 का यहाँ पे करेक्ट होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट वन 55, सो यहाँ पे बोल रहा है कि 2x+y - z = 11 के समांतर एक तल का समीकरण आपको बताना है, तो 55 का जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट 56, तल x+5y+11z = 7 पर लंब एक तल का समीकरण आपको बताना है, राइट। तो इसका जहाँ पे करेक्ट होगा 56 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड आउट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट होगा 57 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट जो है 59, यहाँ पे डिटर्मिनेंट एंड यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 59 का जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड 60 का यहाँ डिटर्मिनेंट है, तो इसका जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे 60 का, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।